तो ये बहुत बड़ी कमी उस प्लानर की है जिसने इन शहरों का प्लान बनाया, उन अधिकारियों और सरकारों की है जिन्होंने इन शहरों को डिज़ाइन कराया, लेकिन एक मूलभूत ज़रूरत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा है उसका प्रावधान उस योजना में उन लोगों ने नहीं किया। ये समस्याएं पुरानी सरकारों की देन थी, बिल्डर और राजनीतिक लोगों का जो गठजोड़ था वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की ज़मीन को हड़पना होने पौने दामों में, फिर उसमें बिल्डर और नौकर शाह इन्वॉल्व हो जाते थे मोटा मुनाफा कमाने के लिए। बहुत सारे राजनीतिक लोगों का पैसा इन बिल्डरों के पास रहता था इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन बिल्डरों ने जो बायर से पैसा लिया वो अपना अलग इन्वेस्ट कर दिया। और टैक्सी का यहाँ काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है और उसके लिए तेज़ी से प्रयास जारी हैं। जहाँ तक बसेस के लिए बात है तो CNG बसेस 100 बसों का अभी पैक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करने जा रही है। मैं विधायक कहीं का भी हूँ लेकिन जनहित के जो मुद्दे होते हैं, अब जैसे लिफ्ट एक्ट हम बनवाने जा रहे हैं, मेरे द्वारा इसे उठाया गया, तो ये कोई जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए नहीं बनेगा, ये पूरे प्रदेश के लोगों के काम आएगा और प्रदेश को देखकर बनेगा। दूसरा, मेट्रो की समस्या आपने बताई, तो ये बहुत बड़ी कमी उस प्लानर की है जिसने इन शहरों का प्लान बनाया, उन अधिकारियों और सरकारों की है जिन्होंने इन शहरों को डिज़ाइन कराया, लेकिन एक मूलभूत ज़रूरत जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुविधा है उसका प्रावधान उस योजना में उन लोगों ने नहीं किया। या तो उन्हें जल्दबाजी थी या वो भूल गए, तो अब ये समस्या लोगों के लिए बहुत जी का जंजाल बन चुकी है। इसीलिए इस समस्या को सरकार के संज्ञान में लाया गया, प्राधिकरण से भी मेरी वार्ता हुई है। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि ये बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन इसे सुधारे जाने के लिए अभी हमारे पास समय है और भविष्य में बहुत ऐसी योजनाएं हम लाने वाले हैं जिन पर कार्रवाई चल रही है, ताकि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट उपलब्ध करा सकें। इससे हमें ये भी फायदा होगा कि हम पर्यावरण को भी संरक्षित रख पाएंगे। आने वाले समय में हमारा प्रयास है कि लोग जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे दें तो स्वयं के व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और पर्यावरण के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल इस ज़िले में और आसपास के क्षेत्रों में बन जाएगा। तो ये एक जनप्रतिनिधि का काम है कि जनता से जो आवाज़ें आती हैं वो सरकार और सदन के समक्ष लाई जाएं, यही हमारा संवैधानिक अधिकार होता है। अभी आपने देखा होगा कि रैपिड रेल का जो प्लान मंजूर हुआ है गाज़ियाबाद से, तो माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक में यह सवाल उठा कि क्यों ना इसे दिल्ली से भी जोड़ दिया जाए, क्योंकि एयरपोर्ट जाने वालों के लिए दिल्ली से भी पैसेंजर आएंगे। और टैक्सी का यहाँ काफ़ी विचार विमर्श चल रहा है और उसके लिए तेज़ी से प्रयास जारी हैं। जहाँ तक बसेस के लिए बात है तो CNG बसेस 100 बसों का अभी पैक्ट ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण करने जा रही है। यमुना प्राधिकरण में भी हम शीघ्र सिटी बस सेवा देने जा रहे हैं जो जेवर को सीधा नोएडा से जोड़ेगी। परिवहन विभाग से भी कई बसेस चलवाई गई हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को जोड़ने के साथ साथ नोएडा होती हुई मेरठ जाती हैं। पुरानी जो कमियां थी, हमारा प्रयास है कि इन सरकारों में उसे दूर किया जाए और एक ऐसा शहर बने जो नाम इसने हासिल किया है पूरी दुनिया में, उसी के अनुरूप यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य मूलभूत सुविधाएं हों। यह समस्याएं पुरानी सरकारों की देन थी, बिल्डर और राजनीतिक लोगों का जो गठजोड़ था वो सिर्फ और सिर्फ किसानों की ज़मीन को हड़पना होने पौने दामों में, फिर उसमें बिल्डर और नौकर शाह इन्वॉल्व हो जाते थे मोटा मुनाफा कमाने के लिए। अब जैसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करें तो इसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्लान में छोड़ा गया था, लेकिन रातों रात वहाँ अपनी जेब भरने के लिए उसे आवासीय उपयोग के लिए बिल्डरों को बेच दिया गया। तो चूंकि प्लानिंग तो उसकी हुई नहीं थी, वो तो रातों रात बेचा गया था। आज यही वहाँ समस्या आ रही है। और मैंने यह भी देखा है
कि बहुत सारे राजनीतिक लोगों का पैसा इन बिल्डरों के पास रहता था इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन बिल्डरों ने जो बायर से पैसा लिया वो अपना अलग इन्वेस्ट कर दिया। तो रेरा का गठन हमारी सरकार ने किया, अब उसे मजबूत भी बना रहे हैं और नियमित समीक्षा होती है। कई हज़ार लोगों को हम रजिस्ट्री करा चुके हैं और बिल्डर को भी हम कुछ फ़ायदा इसलिए दे रहे हैं ताकि बायर्स को उसका फ़ायदा पहुंच सके। तो सरकार इस विषय में गंभीर है, लेकिन कुछ कानूनी ऐसी उलझनें आ जाती हैं, जैसे कोई कोर्ट चला गया बिल्डर तो वहाँ थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाती है। लेकिन यकीन मानना चाहिए सभी लोगों को, योगी जी हर समीक्षा बैठक में बायर्स के लिए मुस्तैद नज़र आते हैं और सभी अधिकारियों को समय समय पर प्रगति देने की, कितनी मदद अब तक बायर्स की हुई है। तो जब मॉनिटरिंग होती है तो नीचे के सभी अधिकारी भी उस पर काम करते हैं।